Thank you.
गुरु सारे खालसा जी शामा दे दरबार दे विच जिन्ने भी जन आपां हाजरियां भर रहे हां सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां दी निघी ते पावन गोद दे अंदर जुड़ करके बैठे हाँ। वड्डे भाग ने अपने सारिआं दे जिहड़े आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी निघी गोद दा आनंद माण रहे हां, क्योंकि कामां कारां दे विच टाइम अजकल बिल्कुल दे बिल्कुल किसी कोल है नहीं, फिर भी अपने टाइम दे विच टाइम कढ के सतसंगत दा लाहा प्राप्त कर रहे हां। आओ एक बार फिर ढाडी जथे वालों फतेह प्रवान करो। साडे तों पहले कीर्तनी जथा अमृतमई कीर्तन अकाली बाणी रब्बी बाणी कीर्तन जस द्वारा तुहानूं निहाल करके गए, उपरंत ढाडी वारां गुर इतिहास की गल सिख हिस्टरी की गल यह पटियाले वाला ढाडी जथा सिख संगतां दे नाल सांझी करेगा। आओ सब तो पहला गुरफते नाल सांझ पाओ। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सिख संगतां दा जिन्होंने फतेह सांझी कीती। और श्री गुरु नानक साहब महाराज का यह चलाया पंथ लाया सिखी वाला बूटा मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। सतगुरु गुरु नानक देव जी साहब महाराज ने चार उदासियां कीतियां भाई मरदाना जी नूं नाल लैके, भाई बाला जी दो अपने साथी नाल लै और तपते हुए हिरदे नूं ठारिया जगत जलंधी नूं ठारन दे लई सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज इस संसार दे उत्ते आए, प्रकाशमान कीता इस संसार नूं। उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी की बात जे मैं आखा, क्योंकि मेरे को लफ्ज ही कोई है नहीं, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दी तारीफ दे लई सतगुरु ने जो वादा जो कौल जो इकरार जो प्रामिस कीता सी पंजां प्यारियां दे नाल श्री आनंदपुर साहब की पहाड़ी के उत्ते खड़ोगे कि भाई दया सिंह जी मैनू अमृत की दात बख्शिश करो, मैं इस अमृत की दात बदले सारा सरबंस कुरबान कर दियांगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन बिन ओ लफ्जां नूं पूरे उतरे और सतगुरु ने ओ तोड़ दवाए ओ लफ्ज और सरबंस दानी अखवाए। दुनिया के दानियां चो महादानी सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सतगुरु सच्चे पातशाह जी भगत सूरमा के दानी होने बड़ा सारा जीवन मेरे गुरदेव का। आप टेलीविजन दे विच नाटक वेखते हाँ, इतने भी कई घर मैं पता केबल कोल जी वो लगाई हुई है, इंडिया के सारे चैनल सीरियल नाटक चलाए जाते हैं, इतने भी भैन वो नाटक वेखदिया ने, पंजाब भी ये हालात ने, परंतु वह हिंदुस्तानी नाटक सीरियल डायरैक्टर प्रोड्यूसर ये सारे लोग हिंदुस्तानी सभ्याचार वो नाटक राही साढ़े के उपर थोपते हैं, क्योंकि उन्होंने नाटकों के मनुवादी सोच भारू है, उस तरह का सारा कुछ सैट भी उस तरह के लगाए जाते हैं और वो अंदर जो भी कुछ किया जाता वह सारा आर एस एस मनुवादी सोच हिंदुस्तानी एजेंसी जिहड़ियां वो ताकत सिख पंथ नूं मलिया मेट करने उपर लगिया हुई जिहड़ियां वो तुसीं वेख्या जा सकता कि सिखां दा मजाक जरूर उड़ाया जाता है हरेक सीरियल दे विच, टेढ़िया मेढ़िया पग्गां बन के और दाड़ी मूँह दे उत्ते हुंदी नहीं प्रकाश नूं दा दाड़ा पग्गां बन आके जां कृपाना भी अजकल उपर दी पा दिंदे, ऐसा रूप सिखां दा विखाया जांदा, रल गड करन दा यतन कीता जा रिहा, जदों कि सानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक वक्रा स्वरूप बख्शिश किया सी और ये तायद की सी बचन एक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया सी कि सिंघा तू दस्तार सजा लै वर्दी पंज ककारी पा लै नशियां कोलों जान छुड़ा लै बापू तेरा कलगी धर है बापू वर्गी शकल बना लै। ये सानू सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक वक्री आजाद हस्ती
कायम कर दी जिंदा नाम रखा गुरु खालसा पंथ। और गुरु घर हमेशा निर्वैर रहा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 14 जंग अपने जीवन च लड़े। पंधाणी की जंग ढाडी जथे ने आप जी ने नाल सांझी कीती सी पिछले दिनों दे विच। पहली जंग मेरे गुरदेव की और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मैं नाटक की बात की सी। सीरियल चलते ने टैलीविजन के उपर, ड्रामे चलते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने जीवन भी एक नाटक हो निबड़िया, बचित्र नाटक, अजीबो गरीब नाटक जिदे सारे कलाकार सारे पात्र असली, घटनावां सारियां वह भी असली, सारी स्टोरी सारी स्क्रिप्ट असली। अगर पिता गुरु जी धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहादत दे रहे ने असल दे विच, छोटे साहबजादे शहीदी दे रहे ने असल दे विच, वड्डे साहबजादे माता गुजर कौर असल दे विच शहीदी दे रहे ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का सारा परिवार। और ऐसा जीवन मेरे गुरदेव का, अगर नाटक वेखना बचित्र नाटक उन्होंने जीवन का वेखो, जिहड़ा नाटक पटने के रंगीले भंगोड़िया तो शुरू होके बिहार स्टेट इंडिया की जिहड़ी पटना सिटी जिथे गंगा नदी बहिंदी है, गंगा के किनारे तो शुरू होके सतगुरां का समुचा जीवन, गंगा के किनारे तो शुरू होके यमुना के किनारे पाँव वटा के जिथे पौंटा साहब गुरद्वारा, गंगा के किनारे तो शुरू होके यमुना के किनारे पाँव वटा के सतलुज के किनारे शिखर विखा के दखण की धरत गोदावरी के कंढे जाके नंदेड़ जाके समाप्त हो गया सतगुरां का सारा जीवन। कुल 42 साल 9 महीने 15 दिन की आजू इस पानी संसार के उपर गुजारी, जुगों जिहड़े कार्ज कर विखाए जिहदी रहिंदी दुनिया की एक मिसाल दिती जांदी रहेगी। नहीं तो एक शायर कहता, बड़े चिरां तो आया संसार लड़दा एक दूजे की खोण जमीन खातर। अज भी बहुत सारे झगड़े कोठियां प्लाटा जमीन के इंडिया कोर्टा के पेंडिंग पेने, कई कई साल लगना उन्होंने। और बड़े चिरां तो आया संसार लड़दा एक दूजे की खोण जमीन खातर। महाभारत वर्गे इतने युद्ध हो गए, एक औरत चतुर हसीन खातर कई राजों के राज तबाह हो गए। समझ लो रावण का हो गया, कई राजों के राज तबाह हो गए, खो के दौलत करन अधीन खातर। पर धन गुरु गोबिंद सिंह साध संगत जी लड़दा रहा मजलूम ते दीन खातर। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने सरबंस कुरबान करके भी एक बात मुखार विद दे विच आकी, इन पुत्र के शीश पे वार दी सुत, चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आपां नूं पुत्र बनाया, भैणों तुहानूं धीआं बनाया, परंतु अज सानूं तुहानूं सानूं असीं वी तुहाडे वर्गे हां। सारिआं नूं आपणे अंदर मनां च झाती मार के वेखण दी लोड़ है कि की असीं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे सपुत्र ते धीआं कहाउण दे हकदार हां। किन्ने कु जन हां असीं सारे जिहड़े अमृत वेले उठ के नितनेम सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा सानूं बख्श कीता सी नितनेम करदे हां, जां फिर शामां दा नितनेम, जां फिर दिन दे विच किन्नी कु बाणी असीं कंठ कीती होई है जां पढ़दे हां। इन्हां गल्लां वल झाती मारनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अज समां किसे नूं कहण दा नहीं। इत्थे मैं नहीं, इत्थे ते बस किसे नूं कहण दी लोड़ नहीं। इत्थे ते अपने मन के झाती मारनी, पहला अपने कमी वह वेखनी पवेगी, क्योंकि अज इल्जाम तराशी में वेख रहा सोशल मीडिया फेसबुक और वट्सएप के उपर तरह तरह के वीडियोज पाई जा रही ने, झगड़े झेड़िया वाले टॉपिक वो कढ़े जा रहे हैं। प्रचारकों के भी बहुत तरह के प्रचारक रल गल किए हुए ने। यह सारिया हिंदुस्तानी एजेंसियों की साजिशा कि सिखां दा इतिहास खत्म कर दो, क्योंकि गोली नाल तां सिख खत्म होने वाले नहीं, वो देख चुके ने। क्योंकि जून 1984 दे विच भी साडे उपर बड़े हल्ले किए गए, बाद में साडे नौजवानों नूं अतवादी कहे गए कि को के तसीहे दे के झूठे पुलिस मुकाबले बना के फेक इनकाउंटर्स करके शहीद किया गया साडे नौजवानों नूं, पंजाब दे नौजवानों नूं। परंतु अज समा बदलिया, तुहाडे सब दी बदौलत
हिंदुस्तान के उपर भारत उत्ते घेरा पै रहा सारे बाहरले मुल्कां दे विच सिख जागरूक ने तुसी सारे लोग सरकारे दरबारे इन्हां मुल्कां दे विच आके हुण जदों उन्हां जालमां ने वेख्या कि भारत की बदनामी ज़्यादा होण लग गई उन्होंने एक तरीका नवा अनोखा तरीका अख्तियार किया लभ्या कि सिखां दा इतिहास खत्म कर दिओ। और एक गल होर कहिंदे किसी कौम नूं खत्म करना होवे किसी गोली तोप की लोड़ नहीं उस कौम का इतिहास खत्म कर दो वो कौम दुनिया की ताकती तो एक दिन गलत अखरों के वांग मिट जा करती है। तो अज मन बड़ी खुशी होंदी है जिथे इतने खालसा स्कूल चल रहे हैं बड़े तुसी जागरूक हो कीर्तन दरबार सजाए जाते हैं कथावाचक सज्जन वो कथा करते हैं परंतु जदों असी सिख हिस्टरी की बात आखेंगे ना साडा इतिहास की है गुरु नानक साहब ने उदासियां कीतियां उन्हें उदासियां च किन्ना किन्ना मनुखां नूं तपदे हिरदे नूं ठारिया गुरु अर्जन साहब ने शहादत किवें दित्ती गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह उन्हां दा प्रकाश किवें होया माता गंगा जी दे ग्रहण भाग किवें लाए और चार जंग किवें लड़े गुरु दशमेश पिता जी की बात उन्हां दे जीवन की बात उन्हां दे परिवार की बात जां फिर कौन सी बाबा बंदा सिंह बहादुर भाई अगर सिंह कौन सी भाई तारू सिंह भाई मनी सिंह जिहड़े बंद बंद कटवा गए ये गल्लां ये हिस्टरी ये जिहड़ा इतिहास ये ढाडी जथे दस्सा करदे ये ढाडी ट्रेडिशन अज पंजाब दे विच भी बहुत वड्डे लैवल ते ढाडी जथे नूं खत्म किया गया। ये मैं हर स्टेज दे उत्ते बात बोली गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे ब्याजबी के मामले च धरने लगे पंजाब दे विच जिन्हें धरनों मैं बोलिया सड़क दे विच चौंकां दे विच उत्थे भी वेखण नूं मिली। मैं पटियाले की बात करा अपने शहर की उत्थे कुछ सज्जन बड़े वड्डे लैवल ते कीर्तन दरबार कराउंदे ने कराउणा जरूरी भी है कीर्तन क्योंकि गुरबाणी एक ओंकार तो लैके तन मन थी वह हरिया तक निरोल आत्म विचार है गुरबाणी सिखी की आत्मा है इतिहास सिखी का शरीर है जे आप शरीर चो आत्मा कढ़ दिए तो शरीर बेजान हो जाया करता है तो कल्ली आत्मा की शरीर तो बगैर कोई वैल्यू कीमत नहीं। पर मैं उत्थे चौंक दे विच वेख्या पटियाले क्योंकि असी तो सच की बात गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने ड्यूटी लाई कि भाई तुसी कौम नूं सवाउणा नहीं सौण नहीं देना हलूणा देना है जगाउणा है कि जागो सिखो तुहाडे हक्कां दे उत्ते डाका पै रहा है। और अज की हो रहा है कित्थे सां 1699 की विसाखी 30 मार्च नूं जदों खालसा पंथ साजिया सी ते अज असी कित्थे आके खड़ो गए हां ये गल्लां हलूणा देण दे लई ढाडी परंपरा की शुरुआत की। तो मैं पटियाले वेख्या तकरीबन 15-20 लाख रुपया 3 दिन के कीर्तन दरबार से उत्थे अनारदाना चौंक है पटियाले उत्थे लगाया जाता है। और मैं हैरान जदों असी उत्थे ढाडी जथा चौंक दे विच बेअदबी वाले मामले दे विच असी फिर जोशीलियां वारां गाईआं ते सुचेत किया संगत नूं उत्थे कुछ सज्जणां नूं तकलीफ होई कि इन्ना गर्म नहीं जी बोली दा। मैं क्या भाई गर्म तो बोलना ही पैना क्योंकि हुण तुसीं ठंडे जे हो चुके हो इन्ने ज़्यादा ठंडे हो गए पंजाब दे विच लोग वो सच सुनने नूं तैयार ही नहीं। तो फिर उहदा नतीजा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कल्ला सिखां दा ग्रंथ नहीं सारे धर्मां दा सांझा ग्रंथ कोई बोले राम राम कोई खुदाए सारे धर्मां दा सांझा ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उन्हां नूं पाड़ पाड़ के गलियां च सुट्टिया खिलारिया जा रहा कोई साडी नकल कर रहा कोई कृपान की बेअदबी कर रहा कोई दस्तार की बेअदबी कर रहा फड़ फड़ के शहरां दे विच बाहरलियां स्टेटां दे विच इंडिया दियां सिखां नूं मारिया कुट्टिया छड़ियां सड़कां दे उपर जा रहे रहो विचार। मैं बात करा अज के मजमून की गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा साहब साबो की तलवंडी तो आखिरी वक्त जान के सतगुर सच्चे पातशाह जी दखण के तत् नंदेड़ वाल चाले पा दिते हजूर साहब महाराष्ट्र वाल चाले पा दिते मेरे गुरदेव ने छोटे साहबजादे की शहादत हो चुकी सी वड्डे साहबजादे की शहादत हो चुकी सी और मेरे गुरदेव जदों हजूर साहब दखण की तरफ नंदेड़ पहुंचे उत्थे एक माधो
ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਛਮਣ ਦੇਵ, ਰਾਮਦੇਵ ਥੰਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਣਛ ਰਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਯੋਗੀ ਔਗਣ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੀਰ ਹਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਕਮਾਨ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤ ਨੰਦੇੜ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਸੰਤ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਲਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਟੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਲੰਘ ਹੋਣੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵਾਂਗ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀਸ ਤੇ ਸੱਜ ਰਹੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਰਮਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਰਦੇ ਚੀਮਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਛੂਟ ਵੱਟ ਲਈ ਡੇਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। Thank you.
सरकार हाँ और मेरे गुरदेव कलगीधर पातशाह दसन लगिया संतू सचिया सरकार छड़ते खेड़ा धूए का चुक लै तलवार साढ़े छोटे लाल जी किमें चिने बेच दीवार तू तकल सरहद के सूबे दियां कारां अगे कई लड़ाइया कीतियां सिंघां सरदारा तू कर जनरैली पंछियां दिया फौज हजारा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने बाबा बंदा सिंह आख्या कि तेरा डेरा साढ़े आन के नाल भ्रिष्ट किमें हो गया, तेरा डेरा जिहड़ा वह भारत के विच है किहड़ा बाहर है, क्योंकि पंजाब की धरती से मासूम बच्चों दियां जिहड़ियां वह जिंदा कढ़ियां जा रही ने और पंजाब की धरती के उत्ते इन्ना घाण बच्चा पीड़िया जा रहा है, इंसानियत का घाण हो रहा है, इंसान के उत्ते इन्ना जुल्म इन्ना जिहड़ा कष्ट जिहड़े चल रहे इंसान ते तेरा डेरा वह पवित्र किवें रह गया। तो माधवदास बैरागी ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने चरणों में ढह पिया, कहिंदा पातशाह जी मैनू बंदा बना लवो। महाराज कहिंदे जे बंदा है तो फिर बंदियां वाले काम भी कर। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये माधवदास बैरागी उस वेले कोल बिठा लिया और पंजा प्यारियां नूं हुक्म किया कि अमृत का बाटा तैयार किया जाए। अमृत तैयार किया गया खंडे बाटे की पौल छका के इहदा नामकरण माधवदास बैरागी तो बंदा सिंह कर दिता गया जिहड़ा बाद विच बंदा सिंह बहादुर बने। इस तो अगला इतिहास कल नूं ढाडी जथा आप जी की सेवा दे विच रखेगा, क्योंकि समा इस गल की इजाजत नहीं दिता कि मैं इस तो अगे जावां। इस तो अगला इतिहास किवें माधवदास बैरागी बंदा सिंह बहादुर बन के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी की शहीदी का बदला किवें लिया, पंजाब की धरती के उत्ते हो रहे जुल्मां नूं किवें ठल पाई, किवें खालसा राज का सिक्का तलाया, खालसा राज की शुरुआत की, और यह सारा इतिहास ढाडी जथा कल दी शामां दे दीवान च रखेगा। समय की समाप्ति है, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ढाडी जथे का माण किया इतिहास का सत्कार करते हुए। सतगुरु जी सबनों दरों करो दे अरोगता तंदुरुस्तियां नाम दियां दातां गुरसिखी जीवन बख्शिश करो, देश और कौम का प्यार बख्शिश करो। आओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पठानकोट धन्यवाद फतेह प्यार साहित बुलाओ आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रभु कै सिमरन पूरन आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम अमृत माए समाए एक बार सतगुर मंत्र सिमरण मात्र सिमरन ताए बारंबार गुर हित है हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का नैना वाहे गुरु वाहे
Vahe Guru, 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 V